उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के दिन इस वीडियो में हम लोग श्रीराम प्रोटीन्स लिमिटेड को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारे निवेशकों को काफ़ी हेवी लॉस हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो उस लॉस के पीछे की वजह क्या है और ऐसी कौन सी उपाय है जिसे करके उस लॉस से बचा जा सकता है, इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में चूंकि ये एक FMCG में कामकाज करने वाली कंपनी है, तो बहुत सारे लोगों के रडार पर यह स्टॉक है, बहुत से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के पीछे क्या लॉजिक होना चाहिए उसको भी इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। एक दिन में देखेंगे तकरीबन 4.5% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट सिर्फ एक दिन की नहीं है, पिछले कुछ दिनों से देखें तो ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब चलिए उसके बारे में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे। सबसे पहले काम को जानने कंपनी काम क्या करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि FMCG में कामकाज करती है एडिबल ऑयल एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी कि तेल वगैरह और खाने पीने की चीज़ों में ही कंपनी इन्वॉल्व है। इसी तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। 2008 में कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और चूँकि काफ़ी पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन जब से ये कंपनी बनी है उसके बाद से इसमें क्या ग्रोथ आया और अभी आगे कब इसमें ग्रोथ आएगा उसको जब हम चार्ट पर देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। काम हम लोग समझ गए, अभी फंडामेंटल थोड़ा सा देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो सबसे पहले मार्केट कैप की यदि बात करें तो तकरीबन 47 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। क्योंकि छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनियों में पी स्टॉक का जो पी होता है वो सामान्यतः नदारद होता है, गायब होता है, और पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पी उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी यदि दिया होता तो एक आइडिया मिल जाता है कि वैल्यूएशन पर स्टॉक का जो शेयर प्राइस है तकरीबन 1.10 रुपये वो महंगा है कि सस्ता है। फिलहाल शेयर प्राइस यदि आप देखेंगे तो आपको ये सस्ता ही लग रहा होगा, क्योंकि चूँकि पेनी स्टॉक है, लेकिन उससे ये शेयर प्राइस सस्ता है या महंगा ये स्टॉक के पी से डिसाइड होता है। यदि कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है शेयर प्राइस से, हालांकि बुक वैल्यू सामान्यतः शेयर प्राइस से कम होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो शेयर प्राइस जो है बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। खैर, दूसरी सबसे अच्छी बात है कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROCE है वह पॉजिटिव में है, माइनस में नहीं है, ये बढ़िया बात है। यानी कि 7% के आसपास यदि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कम से कम 7% का रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है, ये बात आप मानकर चलिए। तो अभी तक हम लोग कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा, अब चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कंपनी को चार्ट को समझते हैं। कंपनी के चार्ट को तो देखेंगे, जनवरी 2023 के बाद से कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे लगातार नीचे ही गया है, और नीचे क्यों गया है इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे देखिए, जुलाई में यदि देखें तो जुलाई में काफ़ी तेज़ी से कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आया था, और नीचे आने के बाद अभी देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस ये तकरीबन 2 रुपये से लेकर 1 रुपये इसी के बीच में आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। अच्छी बात है कि कंपनी का शेयर प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज में आ गया है, क्योंकि कंसोलिडेशन रेंज में आ गया है तो इसका मतलब ये है कि अब ये तो इसमें से ब्रेकआउट होगा। सामान्यतः 90 से 95% कंपनियों में जब भी कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर निकलता है तो उसमें ब्रेकआउट होता है और कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसमें एक कंसोलिडेशन जो नहीं था, ये डाउन ट्रेंड में था, धीरे धीरे कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ रहा था यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंसोलिडेट करने लगा है, दो प्राइस के बीच में आके कंपनी का शेयर प्राइस घूमने लगा है। तो एक पॉजिटिविटी तो यहाँ पे एक उम्मीद तो जग रही कंपनी का शेयर प्राइस अब ऊपर जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो सबसे पहले इस लेवल के आसपास आएगा, यहाँ पे इसने कुछ समय बिताया है 8-10-12 रुपये के लेवल के आसपास इजीली आपको जाते हुए दिखेगा एक शॉट में, जब यहाँ से इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर निकलेगा। तो यदि कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जब कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपये का ऊपर निकले यहाँ पे, तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी जाती है। बाकी आप अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है यदि बने हुए हैं तो बेशक बने रहिए, अभी तक यदि बने हुए हैं तो बने ही रहिए, क्योंकि अब इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अब बात करते हैं कि इतना प्राइस नीचे क्यों आया, नीचे उसके पीछे की वजह को जानने के लिए हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे जो कंपनी का सेल्स है सब कुछ देखिए यहाँ पे डबल डिजिट में चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद से जब नया साल शुरू हुआ 2023 उसके बाद से कंपनी का सेल्स कम होने लगा। सेल्स कम होने की वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, वह भी कम होने लगा। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ प्रॉफिट पर भी देख लेते हैं, और प्रॉफिट कम होने की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आने लगा। हालांकि वो प्रॉफिट अब जाके थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया है, कंपनी का फंडामेंटल के हिसाब से जैसे लग रहा है, तो धीरे धीरे क्वार्टरली रिजल्ट जब आगे के आएंगे तो वो अच्छे आएंगे और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए आपको दिखेगा। ऐसा और श्रीराम प्रोटीन्स के बारे में एक बात स्पष्ट है कि चार्ट बताने लगा है कि अब स्टॉक का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले जो है वो अच्छे आएंगे, क्योंकि चार्ट बोलने लगा है, चार्ट कंसोलिडेट करने लगा है और उसमें ब्रेकआउट होने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। तो श्रीराम प्रोटीन्स में एक तेजी बनेगी, आप इस बात को उम्मीद करके रखिए, भरोसा करके रखिए। चलिए मानते हैं इस वीडियो में जो बातें बताई मैंने आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।